और अब बात महाराष्ट्र की उस ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। आईएएस पूजा खेडकर का ट्रांसफर कर दिया गया है। पूजा खेडकर ने वाशी कलेक्ट्रेट में किया ज्वाइन, फर्जीवाड़े और पद के दुरुपयोग के आरोप के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को पुणे से ट्रांसफर कर दिया है। महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पिछले दो दिनों से चर्चा में हैं। विवादों में घिरे पूजा खेडकर को सरकार ने पुणे से वाशिम में ट्रांसफर कर दिया है। पूजा खेडकर ने वाशिम में अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें अभी भी बोलने का अधिकार नहीं। दरअसल पूजा महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया में 841 रैंक हासिल की थी। पूजा खेडकर उस समय चर्चा में आई जब उन्होंने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया। यही नहीं, मामले ने तब और तूल पकड़ा जब उन्होंने प्रशासन से ऐसी सुविधाओं की मांग की जो आईएएस में प्रोबेशनरी अधिकारियों को नहीं मिलती। पूजा ने ट्रेनी के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही अलग से कैबिन की मांग कर दी। बड़ी खबर, नीट यूजी परीक्षा को लेकर पंजाब के छात्रों का एक ग्रुप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला है। मुलाकात में धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कई छात्रों ने कहा कि दोबारा परीक्षा न हो। ये मुलाकात हुई है नीट यूजी परीक्षा को लेकर। नीट यूजी परीक्षा को लेकर पंजाब के छात्रों की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई। कई छात्रों का यह भी कहना था कि वो नहीं चाहते कि दोबारा परीक्षा कराई जाए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि छात्रों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। नीट यूजी पेपर लीक मामले की आज सुनवाई अंतिम समय में टली है और छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग की है। माना जा रहा था सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामले पर आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट हफ्ते भर बाद कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की 3 सदस्यों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच के सामने छात्रों ने दोबारा से परीक्षा कराने की याचिका लगाई है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि तस्वीरें दिखाने वाले टेलीग्राम के वीडियो फर्जी है, उसमें हेरफेर की गई है। इस टेलीग्राम चैनल के सदस्य भी फर्जी थे। पटना और हजारीबाग मामले में किसी भी ट्रंक में से कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं हुआ। प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक यूनिक नंबर होता है और उसे एक विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता है। कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला। इधर सीबीआई ने भी अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि एनटीए के जवाब के साथ सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर आगे का रुख तय करेगी।